डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ने। टेंथ क्लास में साइंस में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग आज एक नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक्स का नाम है वृद्धि के कारण गति। वृद्धि के कारण गति, ध्यान रहे अभी हम लोग पादपों पेड़ पौधों के बारे में पढ़ रहे हैं कि पेड़ पौधों में कैसे नियंत्रण होती है, कैसे समन्वय होती है। तो इसमें हम लोग टॉपिक्स बनाए हैं वृद्धि के कारण गति, किसमें? तो पादप के लिए। तो आप ब्रैकेट में पादप लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ इस टॉपिक्स को देखकर कि आखिर पादपों में वृद्धि के कारण गति कैसे होती है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये टॉपिक्स बहुत लंबा जाने वाला है। तो इसमें हम लोग हार्मोन्स के भी बारे में डिस्कस करेंगे कि पेड़ पौधे में कौन कौन से पाए जाने वाले हार्मोन्स हैं, उस हार्मोन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। और वो पेड़ पौधे में जो हार्मोन्स पाए जाते हैं उनका क्या क्या काम है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चीज़ों को लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे। तो सबसे फर्स्ट एरो देकर लिखेंगे, बहुत पौधे बाढ़ पर, बताते हैं बाढ़ क्या है, बाढ़ पर प्रतान की सहायता से, प्रतान सब बात बताएंगे, पहले लिखते चलिए, बाढ़ पर प्रतान की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं पूर्ण विराम, ये प्रतान स्पर्श के लिए संवेदनशील हैं, ये प्रतान स्पर्श के लिए संवेदनशील हैं। जी हाँ, अब बाढ़ का मतलब क्या होता है? जो खड़ी में हम लोग लर उर को चढ़ाने के लिए आप देखते हैं ना, कुछ जलावन टाइप के रखते हैं, झुड़ीदार लकड़ी रखते हैं ताकि उस पर हम लोगों को कोई भी लौकी या फिर करेला ये सब फल सके, अच्छा से फल लग सके, इसके लिए हम लोग बाढ़ लगाते हैं। बाढ़ का मतलब क्या हुआ? उसको खड़ी में नहीं लगाया जाता है, जो पतला पतला डंडा जैसा होता है तो उसको बाढ़ कहते हैं, ठीक है। कोई भी पेड़ का डहनी को काट कर वैसे ही छोड़ दिया जाता है, वो बाढ़ कहलाता है ना। और प्रतान किसको कहते हैं? तो जो आप लौकी उकी को देखते होंगे तो लौकी का जो आगे वाला भाग है इसमें पत्ती उत्ती लगा रहता है, और कुछ ऐसा भाग होता है जो बाढ़ को ऐसे ऐसे करके घेर लेता है, उसको प्रतान कहते हैं। ये प्रतान लर वाले पौधे में पाया जाता है, जिसको लर कहते हैं, जैसे सीम का लर, लौकी का लर, करेला का लर, उसमें देखते होंगे कि पौधा का जो आगे वाला भाग होगा ना वो ऐसे ऐसे करके स्प्रिंग जैसा घेर लेता है और फिर आगे बढ़ता है, फिर आगे इसको घेरेगा, फिर ऐसे ही आगे बढ़ता है बाढ़ पे। तो बहुत ऐसे पौधे हैं जो बाढ़ पर यानी कि कहीं चढ़ जाते हैं, नहीं देखते होंगे दीवार छत्ता पर भी चल जाता है, नहीं, कैसे? क्योंकि वो प्रतान यानी कि इसकी सहायता से वो बार बार ना उसको लपेट लेता है और फिर आगे की ओर बढ़ता है, तो इसको कहते हैं प्रतान। तो यही लिखा गया कि बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो कहीं बाढ़ पर या छत्ता पे कहीं भी चढ़ जाते हैं, कौन सी की सहायता से? तो अपने प्रतान की सहायता से, ठीक है। तो प्रतान की सहायता से बहुत ऊपर तक चढ़ जाते हैं, और ये प्रतान जो है स्पर्श के लिए संवेदन, उनका काम ही है बस क्या, टच करना। अगर ये टच नहीं करेंगे तो वो पौधा आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो इसलिए इसका काम क्या है, स्पर्श करने के लिए संवेदनशील है। चलिए फिर नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे पादप के शरीर से ज्यादा प्रतान में वृद्धि होती है, पादप के शरीर से ज्यादा प्रतान में वृद्धि होती है, जो जो वस्तु को चारों ओर से, वस्तु को या बाढ़ को लिख सकते हैं, जो वस्तु को या बाढ़ को चारों ओर से जकड़ लेता है,
जी हाँ, अब कोई पूछेगा कि कोई भी लर है, चाहे लौकी की लर है, चाहे करेला का लर है, चाहे किसी का भी लर है, तो अपने शरीर से ज़्यादा सबसे पहले क्या बढ़ता है? तो उसका प्रतान, यानी कि शरीर से ज़्यादा उसके प्रतान में वृद्धि होती है। नहीं देखते हैं उसको प्रतान कहते हैं, जो बहुत लंबा होता है ना, बहुत जल्दी वो बढ़ता है, यानी कि वो सबसे पहले घेरेगा तब उसका शरीर आगे बढ़ेगा। यानी कि यहाँ पे लिखे हैं कि उस पौधे के, जो लर वाले पौधे होते हैं, उनके शरीर से ज़्यादा कौन सी बढ़ता है, तो प्रतान में जल्दी जल्दी वृद्धि होता है, ताकि उसको बाढ़ को चारों तरफ से लपेट के और जकड़ लेता है और फिर आगे बढ़ता है। ऐसे ही जैसे ही आगे बढ़ता है, तब तक आगे बढ़ेगा जब तक कि प्रतान उसको लपेट नहीं लेगा, उसको जकड़ नहीं लेगा चारों तरफ से। तो ये क्रिया हम लोग देखते हैं अपने जनरल लाइफ में। फिर आगे लिखेंगे थर्ड एरो, पादपों में मुख्य दो प्रकार के उद्दीपन होते हैं। पादपों में मुख्य दो प्रकार के उद्दीपन होते हैं। पहला लिखिएगा, पहला प्रकाश की ओर उद्दीपन, पहला का नाम है प्रकाश की ओर उद्दीपन, और दूसरा लिखिएगा गुरुत्व की ओर उद्दीपन, गुरुत्व की और उद्दीपन। देखिए, अब उद्दीपन का मतलब होता है वृद्धि करना, ठीक है? शरीर के, यानी कि पेड़ पौधे के शरीर से जो निकलते हैं वो दो दिशा में निकलते हैं, इसीलिए बोला गया कि पादपों में दो प्रकार का उद्दीपन होता है। पहला का नाम है प्रकाश का की ओर उद्दीपन, और दूसरा में है गुरुत्व की ओर उद्दीपन। अब प्रकाश की उद्दीपन का मतलब क्या? आप कोई भी, जैसे चना को आप बोते हैं, तो चना को जैसे ही बोएं तो वो चना क्या किया, वो चना से दो तरह का निकलता है, एक तो जड़ में जाता है और इसी जड़ से आगे की ओर निकलता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चना है, गेहूं है, सब क्या होते हैं, तो पहले अंकुरित होता है, चने को अंकुरित देखते हैं, वह एक जड़ है, वह क्या है, एक जड़ है, और उसी जड़ से ही ऊपर की ओर निकलते हैं, जिसको हम लोग चने के साग उग भी कहते हैं, फिर चने में इसमें फल लगता है, तब इसको दो तरह का हम लोगों को उद्दीपन होता है किसी भी पौधे में। एक होता है गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्व की ओर उद्दीपन। गुरुत्व उसको कहते हैं जो मिट्टी में जड़े जाती है, उसको कहते हैं गुरुत्व की ओर उद्दीपन। और एक कहते हैं प्रकाश की ओर जाता है, यानी कि ऊपर ऊपर जाता है, पृथ्वी से ऊपर उठता है, उसको क्या कहते हैं, प्रकाश की ओर उद्दीपन। तो याद रखिएगा, पादपों में, पेड़ पौधों में कितने प्रकार की उद्दीपन होती है, दो प्रकार का। एक का नाम है प्रकाश की ओर, यानी कि पृथ्वी से ऊपर उठता है, और एक उसका जड़ है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं गुरुत्व की ओर उद्दीपन। इस तरीके से दो प्रकार का उद्दीपन होता है किसी भी पौधे में। तो पहला प्रकाश की ओर उद्दीपन, दूसरा गुरुत्व की ओर उद्दीपन। फिर नेक्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए नेक्स्ट एरो देकर, दो भिन्न प्रकार की प्रकाशानुवर्तन, दो भिन्न प्रकार की प्रकाशानुवर्तन गतियों में प्ररोह, गतियों में प्ररोह। फिर से इस एरो को मिलाइएगा, दो भिन्न प्रकार की प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, दो भिन्न प्रकार की प्रकाशानुवर्तन, दो भिन्न प्रकार की प्रकाशानुवर्तन गतियों में प्ररोह, प्ररोह प्रकाश की ओर मुड़कर, प्रकाश की ओर मुड़कर अनुक्रिया तथा जड़ जड़ इससे दूर मुड़कर, जड़ इससे दूर मुड़कर अनुक्रिया करते हैं। जी हाँ, ध्यान रखिए,
दो भिन्न प्रकार की जो प्रकाशानुवर्तन है, प्रकाशानुवर्तन किसको कहते हैं, जो प्रकाश यानी कि ऊपर की ओर उठता है उसको हम लोग प्रकाशानुवर्तन कहते हैं, और इससे जस्ट दूर भागता है वो कहाँ, जड़ में, यानी कि जड़ें मिट्टी में जो जकड़े रहती हैं। तो याद रखिएगा, एक जाता है प्रकाश प्रकाश की तरफ, उसको कहते हैं प्रकाशानुवर्तन, और एक जाता है जड़ें या मिट्टी में, जिसको हम लोग गुरुत्वानुवर्तन के नाम से भी जानते हैं, जो कि इससे दूर भागता है। या फिर ये बोलिए कि नीचे वाला से ऊपर दूर वाला भाग रहा है या ऊपर से नीचे जो जा रहा है, यानी कि दोनों विपरीत दिशा में होती है। एक पृथ्वी के अंदर जाएगी तो एक पृथ्वी से ऊपर आएगी, ठीक है। जो पृथ्वी के अंदर जाएगी उसको जड़ कहते हैं, और पृथ्वी से ऊपर जाएगी उसको कहते हैं तना, शाखा, पौधा, पेड़, ये सब से नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर उसके नीचे एरो देंगे, ये टॉपिक्स थोड़ा सा लंबा है, लिखेंगे। एक पादप की जड़ सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती है, एक पादप की जड़ सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती है, जबकि प्ररोह, प्ररोह मतलब तना शाखा, प्ररोह प्रायः ऊपर की ओर वृद्धि करती है, प्रायः ऊपर की ओर वृद्धि करती है। जी हाँ, अभी हम लोग समझे कि जो पादप जो है मिट्टी में, पादप का ऐसा अंग जो मिट्टी में आएगा उसको जड़ कहते हैं। जड़ हमेशा कहाँ आता है, नीचे की ओर, और जबकि प्ररोह, प्ररोह का मतलब तना शाखा, ये कहाँ जाता है तो पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी से ऊपर जाती है। तो दो तरह का इसमें होता है, एक वह जो पादप का वह भाग जो मिट्टी में जाती है उसको जड़ कहते हैं, और एक वह जो पादप जो मिट्टी से या पृथ्वी से ऊपर जाती है, ठीक है। फिर लिखेंगे नेक्स्ट एरो, नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे प्ररोह तथा जड़ में, प्ररोह तथा जड़ में क्रमशः क्रमशः ऊपरी गामी तथा अधोगामी वृद्धि पृथ्वी या गुरुत्व के, पृथ्वी या गुरुत्व के गुरुत्व 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 के खिंचाव की अनुक्रिया गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है, गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग क्या लिखें कि जो पादपों में जो प्ररोह तथा जड़, प्ररोह कहाँ जाएगा तो ऊपरीगामी, ऊपरीगामी का मतलब होता है पृथ्वी से ऊपर जाएगा, अधोगामी का मतलब हुआ पृथ्वी के नीचे जाएगा। तो याद रखिएगा, ऊपरीगामी का मतलब पृथ्वी से ऊपर जाना, जो ऊपर कौन जाता है प्ररोह, और अधोगामी कौन जाता है जड़। तो याद रखिएगा, प्ररोह जो है ऊपरीगामी होते हैं और जड़ जो है अधोगामी होते हैं। अधोगामी मतलब मिट्टी के अंदर, पृथ्वी के अंदर ये जो वृद्धि होती है ना, ये किसके कारण होती है कोई पूछेगा, तो गुरुत्व बल के कारण, खिंचाव के कारण। जैसे अगर हम यहाँ पेन को छोड़ें तो नीचे की ओर गिरा, इसी को ना कहते हैं गुरुत्वानुकर्षण बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो याद रखिएगा कि कोई पेड़ पौधे की जो जड़ हैं वो अधोगामी होते हैं, जबकि प्ररोह जो है तना शाखा डाली ये सब ऊपरीगामी होती हैं। क्या वजह है, तो इसका वजह है पृथ्वी में गुरुत्व का खिंचाव होता है, इसके वजह से इस क्रिया को कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा कि क्या कारण है भाई कि पादप का प्ररोह जो है ऊपर जाता है और जड़ें जो है नीचे जाती है, अधोगामी होती है, क्यों, तो आप बोलिएगा पृथ्वी में गुरुत्व का खिंचाव होता है, इसीलिए इसको गुरुत्वानुवर्तन भी कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके आगे नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे जंतु शरीर में वृद्धि के लिए
नियंत्रित दिशाएं होती हैं, जबकि पादपों में यह वृद्धि जबकि पादपों में यह वृद्धि अनियंत्रित दिशाएं होती है, जबकि पादपों में यह वृद्धि अनियंत्रित दिशाएं होती है। चलिए अब अगर मान लिया जाए जंतु कोष, जंतु शरीर का मतलब क्या, जैसे मानव, गाय, भैंस, कुत्ता, बैल, ये सब किस में आ गए, जंतु में आ गए। अब जंतु के शरीर में जब वृद्धि होता है तो देख रहे हैं हमारा अंगुली है, तो हमारा अंगुली अंगुली से ये एक और अंगुली नहीं निकल सकता है, ये अंगुली है तो ये अंगुली ही एक दैशिक माने एक ही दिशा में बढ़ेगा बस। और जबकि पेड़ पौधे में क्या है, तो पेड़ पौधा है कभी कभी यहूं से तना निकल जाएगा, कोई ठीक नहीं है, तना में से तना तो निकलबे करता है, यहूं से तना निकल जाएगा, कहाँ से निकलेगा इसका कोई विचार नहीं है। ऐसे करके पादपों में देखे है ना, यानी कि जंतुओं के शरीर में जो वृद्धि होती है वो नियंत्रित दिशा में होती है, नियंत्रित दिशा का मतलब एक ही दिशा में होती है। हम लोगों का अंगुली निकल गया तो ई वाला अंगुली में से एक आओ अंगुली नहीं निकल सकता है, जबकि इसी को आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग धीरे धीरे, और ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, बहुत ही मंद गति होता है। लेकिन पादपों में क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी ये बढ़ जाते हैं, बहुत जल्दी निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसको क्या कहते हैं हम लोग कि उसमें जो है अनियंत्रित दिशाएं होती है। अनियंत्रित का मतलब कहाँ से निकलेगा, एक डाला साखी, कोई डाला या तना या शाखा हम लोग को कुछ पता नहीं है, इसलिए हमारे जंतु के शरीर में नियंत्रित दिशा में वृद्धि होती है, जबकि पेड़ पौधों में पादपों में यह अनियंत्रित दिशा होती है। अनियंत्रित मतलब किधर बढ़ेगा किधर से निकलेगा कोई ठीक नहीं है। चलिए नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे वे हार्मोन जो पौधों में, वे हार्मोन जो पौधों में वृद्धि वृद्धि कौमा विकास तथा तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में, अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं कौमा कौमा पादप हार्मोन कहलाते हैं। देख लीजिए अब ये सवाल इम्पोर्टेंट है, सवाल आता है कि पादप हार्मोन किसको कहते हैं। अब हार्मोन किसको कहते हैं भाई, तो हार्मोन उसे कहते हैं जो किसी जीव के लिए, जो किसी जीव के लिए वृद्धि का काम करता हो, विकास का काम करता हो, या पर्यावरण को संतुलित करने का काम करता हो, उसको हम लोग कहते हैं हार्मोन। वैसे ही पादप हार्मोन क्या हुआ, तो किसी भी पेड़ पौधों के लिए वृद्धि का काम हो, वृद्धि मतलब लंबाई बढ़े, विकास विकास का मतलब बहुत मोटा चौड़ा हो, कोई कोई पेड़ पेड़ देखते हैं ना बहुत पुराना होता है, जैसे पीपल बरगद ये सब बहुत विकासशील पेड़ हो जाते हैं, बहुत कई सालों से पुराने होते हैं। तो ऐसा पेड़ पौधे जो वृद्धि के लिए जरूरी हो, विकास के लिए उनका आवश्यक हो, पर्यावरण के प्रति समन्वय हो, तब इनके लिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, पादप हार्मोन, ठीक है। अब चलिए कुछ हार्मोन्स का नाम देखते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा कि कुछ ऐसे भी पादप हार्मोन्स हैं जिसका यूज करके हम लोग अलग अलग की क्रिया करते हैं। लिखेंगे नेक्स्ट एरो में पादपों में ऑक्सिन ऑक्सिन ऐसे ऑक्सिन इस नामे है ऑक्सिन, याद रखिएगा इस ऑक्सिन को, पादपों में ऑक्सीन हार्मोन प्ररोह में अग्रभाग में संश्लेषित होता है जो जो लंबाई के वृद्धि में जो लंबाई के वृद्धि में
सहायक है, जो लंबाई के वृद्धि में सहायक है। याद रखिएगा इसका नाम। कोई पूछता होगा कि ऑक्सीन का मतलब क्या हुआ, तो ऑक्सीन का कुछ मतलब नहीं है, आप हार्मोन है ये, आप हार्मोन का नाम याद रखेंगे। ऑक्सीन हार्मोन कहाँ पाया जाता है? पेड़ पौधों में। ये पेड़ पौधों में क्या करता है भाई? तो पेड़ पौधों के किस भाग में पाया जाता है? तो प्ररोह में पाया जाता है, प्ररोह के अगले भाग में पाया जाता है, अग्रभाग। और इसका काम है पेड़ पौधे के लंबाई बढ़ाना। ठीक है, देखते हैं। कोई पेड़ पौधा बहुत जल्दी जल्दी लंबा होता है, कोई पेड़ पौधा बहुत जल्दी जल्दी बहुत जितना जल्दी नहीं बढ़ता है। इसमें कारण क्या है कि जिस पौधे में ऑक्सीन हार्मोन ज़्यादा पाया जाएगा वो जल्दी जल्दी बढ़ेगा, जिस पेड़ पौधों में ऑक्सीन कम मात्रा में पाया जाएगा उसमें धीरे धीरे वृद्धि होगी। तो याद रखना है कि ऑक्सीन हार्मोन का काम क्या है? तो पौधों के वृद्धि करना, पौधों में लंबाई को बढ़ाना। ठीक है, तो इसका नाम याद रखिएगा कि ऑक्सीन हार्मोन का क्या काम है। चलिए फिर नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे पादपों में जिबरेलिन हार्मोन, जिबरेलिन। अब देखिए ये बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा नाम याद ही रखना पड़ेगा आपको, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, इसका नाम होता है। जैसे आपका नाम है राम, श्याम, मोहन आदि, उसी तरीके से इस हार्मोन का नाम है। इसका काम याद रखना है नाम के साथ साथ कि इसका काम क्या है। जैसे ऑक्सीन का काम क्या है बाबू? तो इसका है काम पौधों में वृद्धि करना, लंबाई बढ़ाना। वैसे ही अब हम लोग नेक्स्ट एरो में लिखेंगे पादपों में जिब्रेलिन हार्मोन पौधों के तने में वृद्धि के लिए सहायक है। पौधों के तनने में, तना तना, जैसे पौधे, एक तो पौधा हुआ, इसका तना जो बढ़ता है, ये तो लंबाई ना पूरा बढ़ाया। ऑक्सीन का काम क्या है? पूरा लंबाई बढ़ाना। लेकिन तना बढ़ता है, तना शाखा जिसको कहते हैं, वो किसके वजह से भाई? तो जिब्रेलिन हार्मोन के वजह से। तो याद रखना जिब्रेलिन हार्मोन का काम है पौधों के तने को बढ़ाना, शाखा बढ़ाना, जबकि लंबाई बढ़ाने के लिए ऑक्सीन, तना का बढ़ाने के लिए जिब्रेलिन। ठीक है, चलो नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे साइटोकाइनिन हार्मोन विशेष रूप से साइटोकाइनिन हार्मोन विशेष रूप से फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है। फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है। ध्यान रखना एक और हार्मोन्स जिसका नाम है साइटोकाइनिन हार्मोन, इसका काम क्या है भाई? तो इस साइटोकाइनिन हार्मोन्स का काम क्या है कि ये फलों और बीजों में पाया जाता है, उसमें अधिक सांद्रता में पाया जाता है। तो याद रखना अलग अलग हार्मोन्स, और ये बहुत ही हार्मोन्स यूजफुल हैं, एग्जाम्स में आते हैं कि पादप हार्मोनों की चर्चा कीजिए। तो पादप हार्मोन पेड़ पौधों में पाए जाने वाले पहला हार्मोन हम लोग पढ़े ऑक्सीन, फिर जिब्रेलिन, फिर साइटोकाइनिन। ऑक्सीन का काम क्या है? ऑक्सीन का काम है पेड़ पौधों में वृद्धि करना। जिब्रेलिन का काम क्या है? तना में वृद्धि करना। साइटोकाइनिन का काम क्या है कि ये फलों तथा तो साइटोकाइनिन का काम क्या है? तो साइटोकाइनिन का काम है कि ये किसी भी पादप, कोई भी पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें फूल फल लगते हैं उसमें ये अधिक सांद्रता में पाया जाता है। कौन सा हार्मोन? साइटोकाइनिन। चलिए फिर से एक लास्ट एरो है, इसमें लिखते हैं, लिखा जाए एब्सिसिक अम्ल वह हार्मोन है जिससे पत्तियां मुरझा जाती है। एब्सिसिक अम्ल वह हार्मोन है जिससे पत्तियां मुरझा जाती है। तो
कुल मिलाकर अभी हम लोग देखें कि पादपों में कुल मिलाकर ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक अम्ल हार्मोन पाए जाते हैं। ऑक्सिन हार्मोन का काम है पौधों में लंबाई को वृद्धि करना। जिब्रेलिन का काम है पौधों में जो शाखा तने निकले रहते हैं उनको वृद्धि करता है। साइटोकाइनिन का काम क्या है, तो ये पौधों के जो फल फूल जो लगते हैं या बीज होते हैं उसमें ये पाया जाता है साइटोकाइनिन। और एब्सिसिक अम्ल हार्मोन वह हार्मोन है जिससे पत्तियां मुरझा जाती है। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही लंबा टॉपिक्स था जिसको हम लोगों ने आज इसको ख़त्म किया। और फिर आगे के क्वेश्चंस आप देख पा रहोगे एनसीईआरटी के बुक में जो बीच में प्रश्न होते हैं वो हम लोग अगले दिन डिस्कस करेंगे। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।